नाबालिग युवती से दुराचार के मामले में विशेष न्यायालय ने सोमवार को आरोपी के खिलाफ सजा सुनाते हुए उसे 10 वर्ष कारावास और 29,000 रुपए की अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी वकील पंकज जैन ने बताया कि 12 मार्च 2014 को केकड़ी थाने में कादेड़ा गांव की नाबालिग युवती के पिता ने गांव के ही विजय मल्होत्रा के खिलाफ उनकी बेटी को जबरन अपहरण कर उसे अलग अलग शहर में ले जाकर उसके साथ गलत काम करने का मुकदमा दर्ज कराया। केकड़ी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी विजय मल्होत्रा को 15 मार्च 2014 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस मामले में न्यायालय ने आज कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ 10 वर्ष के कठोर कारावास और 29,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सरकारी वकील की ओर से 8 गवाह 15 दस्तावेज प्रस्तुत किए। घटना 12/3/2014 की है। ग्राम कालडा की रहने वाली एक नाबालिग पीड़िता जो कि अपने घर पर रहती थी, वो कहीं पेन लेने के लिए गई थी घर से बाहर, तो उसको ये विजय कुमार मल्होत्रा जो कि मुलजिम है इस प्रकरण के अंदर, बस उसको बेला फुसला के भगा के ले गया। उसके बाद उसके पिताजी ने, लड़की पिताजी ने 13/3/14 को रिपोर्ट लिखाई। उसने कहा कि मैंने अपनी लड़की को काफ़ी ढूंढ लिया, वह नहीं मिली है। उसके बाद उसके पिताजी के पास फ़ोन भी वगैरह आया तो उसको मालूम पड़ा कि ये जिसने फ़ोन किया है वही उस लड़की को भगा के ले गया है। तो उसने काफ़ी तलाश किया, उसको फिर भी नहीं मिली। फिर उसने 13/3/14 को पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो 14/3/14 को लड़की बाड़मेर रेलवे स्टेशन से उसको दस्तयाब किया गया। 15/3/14 को मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर अनुसंधान किया गया, जिसके अंदर पीड़िता ने बताया कि वह उसको अलग अलग स्थानों पर लेके गया, जहां बाड़मेर लेके गया उसको, जोधपुर लेके गया, देवी लेके गया और अजमेर बाद में लेके आया। तो पीड़िता ने जब अपने बयान वगैरह दिए करें, उसके बाद मुलजिम के खिलाफ माननीय न्यायालय के अंदर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ से 8 गवाह और 15 दस्तावेज पेश किए गए। तो आज माननीय न्यायालय की जज श्रीमती सीमा अग्रवाल के द्वारा मुलजिम विजय कुमार मल्होत्रा को निम्न प्रकार से दंडित किया गया है। धारा 5L/6 के अंदर 10 वर्ष कारावास, 10,000 जुर्माना, 376(2)(2)(n) के तहत 10 वर्ष कारावास और 10,000 जुर्माना, और 366 के तहत 5 वर्ष कारावास, 5,000 जुर्माना, 363 के तहत 3 वर्ष कारावास, 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 343 के तहत 1 वर्ष कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना, कुल 29,000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही 10 वर्ष कठोर कारावास से सजा से दंडित किया गया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।